हाय गाइस, आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताऊँ, ये हार्ड ड्राइव है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये है 512 GB की। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, और इसकी जो कंपनी का नाम है वो है, ये इंटेल है, यहाँ पे इंटेल की है, ये AGI के नाम से है, ये आप देख सकते हैं, पावर बाय इंटेल, और इसका नाम है AGI। और यहाँ इसके पीछे इसका सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, और 3 ईयर की इसकी वारंटी है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ 3 ईयर दिया है, 3 ईयर की इसमें वारंटी है, ये आप देख सकते हैं ये। तो अब मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ कैसी है ये। और ये है 2.5, इसका जो साइज़ है वो 2.5 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसके साथ इसकी बुक है, ये SSD है, AGI की SSD इंटेल। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके साथ बुकलेट है, तो ये बुक देख सकते हैं आप, ये इसमें लिखा हुआ है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है, मैंने जो है मेरे PC के अंदर, जो गेमिंग PC हैं और लैपटॉप हैं, उसके अंदर सैमसंग की लगी हुई हैं, और तो और जो मेरे गेमिंग के हैं उसके अंदर, मैंने एक के अंदर जो वाइट है मेरा, ये जो PC है इसके अंदर मैंने AGI की लगाई है गेमिंग की, ये गेमिंग चल रहा है इसके अंदर, ये देखिए स्मूथ काम करती है हार्ड ड्राइव। और जो दूसरा मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है गेमिंग का, और इसके अंदर मैं CS:GO खेलता हूँ, और इसके अंदर जो है ये देखिए दो हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, एक AGI की लगी है और एक किंगस्टोन की लगी है, दो लगी हुई हैं इसके अंदर। तो दो गेमिंग के कंप्यूटर हैं, उनके अंदर मैंने एक में किंगस्टोन और AGI लगी हुई है, और ये जो वाइट वाला दिखाया था इसके अंदर भी AGI की लगी है। तो मुझे बहुत पसंद आई AGI की, तो मैं, आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये है, और एक मैं फेंक चुका हूँ। तो ये देखिए मैंने हार्ड ड्राइव ली है, तो मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत फास्ट काम करती है। और ये देखिए, ये यहाँ पे ये साटा है यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ, ये देखिए 2.5 साटा SSD 212 GB, तो ये है आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि साटा में और SSD में, ये SSD है और ये जो है हमारी नॉर्मल साटा हार्ड ड्राइव जो होती है वो है। तो SSD के अंदर जो जैसे रैम होती है हमारे यहाँ, हमारे पास ये, मेरे पास ये रैम है, मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि SSD और साटा के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर जो होता है वो मोटर वगैरह नहीं होता है, इस तरह से इसमें चिप लगी होती है, इस तरह से बिल्कुल इसी तरह का कार्ड इसके अंदर होगा, तो इसलिए इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी जो होती है स्पीड कम होती है, क्योंकि इसके अंदर मोटर है, और इसके अंदर जो है प्लेटर होती है, छोटी प्लेटर मोटर उसका घुमाता है, उसके बाद उसके अंदर हेड होता है, वो इस तरह से रीड और राइट करता है, इस तरह से इसमें टाइम लगता है। तो इसके अंदर जो है खाली ये इस तरह से चिप लगी होती है, तो ये डायरेक्ट वर्क करती है, और इसके अंदर जो होता है वो रीड करती है फिर राइट करती है। इसके अंदर रीड जो होता है बहुत फास्ट होता है, और राइट भी जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में हार्ड ड्राइव के। तो ये दो तरह की हैं, दोनों साटा की हैं इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साटा हैं ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं और भी IT के बारे में बनाता रहूँगा वीडियो। थैंक यू गाइस।